तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर गारा के सामने दियत्रा आता है और उससे फाइट करने लगता है, और उसका चिड़िया पर बैठकर वो ऊपर से गारा पर हमला करता है। पर गारा भी कुछ कम नहीं होता, वो भी उस पर लगातार अपने सैंड से हमला करते रहता है। पर फिर भी दियत्रा कैसे वैसे कर जो सैंड विलेज होता है उसमें घूमकर बच जाता है और कहीं पे गलियों में छुप जाता है और कहता है कि इसकी सैंड तो सच में पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गारा होता है वो उस पर सामने से और पीछे से भी अटैक करता है, पर ये दियत्रा ऊपर जाकर बच जाता है। फिर गारा को लगता है कि मैं ऊपर जाकर इसे हराऊं, इसलिए गारा अपने सैंड पर खड़े होकर उसके सामने ऊपर जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी फाइट का सुनकर ये जो कॉन्करर होता है वो अपनी सैंड विलेज की टीम को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है हमें जल्द ही जाना होगा गारा की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर ये जो गद्दार होता है उसके साथ ये अकात्सुकी होता है और वो उसे कहता है तुम चले जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तुम्हें देख लेंगे। और फिर वो आदमी चला जाता है और यहाँ पर दियत्रा नीचे से देखता रहता है। उस पर बहुत अटैक होते हैं और दियत्रा भी उसके ऊपर गारा के ऊपर शुरिकेंस फेंकता है। और यहाँ पर अगली सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और काकाशी सेंसे की फाइट होती है, जिसमें नारुतो काकाशी सेंसे के ऊपर कुनाइस फेंकता है और पर काकाशी सेंसे गायब हो जाते हैं। और फिर साकुरा काकाशी सेंसे पर हमला करती है, पर काकाशी सेंसे उसको भी हरा देते हैं और कहते हैं कि तुम साकुरा नहीं हो, तुम नारुतो के शैडो क्लोन हो जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है। वाह क्या नाइस चाल है। पर ऊपर से हम देखते हैं कि साकुरा काकाशी सेंसे के ऊपर हमला करती है और फिर काकाशी सेंसे कैसे कैसे करके वहाँ से हट जाते हैं। और फिर नारुतो और साकुरा सोचते हैं कि अब काकाशी सेंसे क्या करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे यहाँ पर कहते हैं कि अब देखो, और वो इतने ज़ोर से हाथ हिलाते हैं जिसको देखकर जो नारुतो और साकुरा होती है वो भी हैरान हो जाते हैं। और ये करने के बाद वो कहते हैं कॉपी जुत्सु, फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। और ये कहने के बाद उनके मुंह से बहुत हवा निकलती है और आग निकलने लगती है, जिससे कि नारुतो पीछे जाकर गिरता है पर वो उसको संभाल लेता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़मीन में बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है और फिर नारुतो काकाशी सेंसे को ढूंढता रहता है कि वो कहाँ पर चले गए। पर काकाशी सेंसे उसके पैर को नीचे से पकड़ लेते हैं और नारुतो ये देखकर डर जाता है कि उन्होंने पहले भी ये सास्के के साथ किया है। और फिर नारुतो को वो ज़मीन में गाड़ कर ऊपर आ जाते हैं, पर वो नारुतो का शैडो क्लोन होता है। ये देखकर काकाशी सेंसे वापस से अपने हाथ मिक्स करने लगते हैं और फिर वो अचानक से नदी के ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं कि वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु, जिसके कारण वो पानी होता है वो एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। और उठने के बाद नारुतो और साकुरा के ऊपर हमला करने लगता है। नारुतो ये देखकर हैरान होता है कि वाह क्या निंजुत्सु कॉपी करते हैं ये। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो नारुतो और साकुरा पर आता है पानी तो वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं, पर वो पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जिराया सेंसे को भी ये मैच देखकर बहुत हैरानी होती है। और फिर अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गारा होता है उसको मारने के लिए जो दियत्रा आता है उसको रोकने के लिए कॉन्करो और बाकी उसके लोग होते हैं, पर यहाँ पर ऊपर गारा वर्सेस दियत्रा होती रहती है। दियत्रा कहता है अब तुम नहीं बचोगे और वो अपने छोटे छोटे पक्षियों से उसके जो सैंड होती है उसको फोड़ता रहता है। पर ये सोचता है कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, एक्सप्लोजन ही करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने छोटे छोटे जो बर्ड्स होता है उनको बनाता है और गारा के पास ले जाकर उन्हें फोड़ने लगता है। पर गारा का सैंड चुकागु भी ये रोक लेता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दियत्रा होता है वो बार बार अटैक पे अटैक करता रहता है, पर गारा डॉज पे डॉज कर रहा था होता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं कि ये गारा के सैंड के ऊपर हमला करते हैं। और फिर गारा सोचता है कि अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा
काकाशी सेंसे को ढूंढ रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि काकाशी सेंसे की जो कॉपी टेक्निक है वो बहुत बेहतरीन है, वो काकाशी सेंसे तो बहुत सच में बेहतरीन है, वो शिकामारू की तरह चालाक है और उनकी सूंघने की शक्ति आकामारू और कीबा जैसी है, और वैसे भी वो तो फुर्तीले है और उनके पास सास्के के जैसे शारिंगन है और जिससे कि और वो इंटेलिजेंट है, और उनकी टाइजुत्सु भी रॉकली से कम नहीं, वो बहुत ताकतवर है और ऑलराउंडर है सकुरा, हम उनसे कैसे भी नहीं जीत सकते, पर मुझे उनकी एक कमज़ोरी याद है, तुम्हें पता है? और फिर वो सकुरा को उसकी कमज़ोरी बताता है और यहाँ पर काकाशी सेंसे बैठे होते हैं और सोचते हैं कि अब मैं कुछ मूव नहीं करूँगा, उनको ही उनका पहला मूव करने दूँगा, अब मैं उनकी मूव की राह देखूँगा। और यहाँ पर नारुतो सकुरा को काकाशी सेंसे की कमज़ोरी बताता है और फिर पता नहीं वो क्या बताता है क्योंकि एपिसोड में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो गाइज अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गारा होता है उसके ऊपर जो दियद्रा के पक्षी होते हैं उन्होंने हमला कर दिया होता है, वो एक साथ बहुत सारे आते हैं जिसके कारण गारा को भी नहीं समझता क्या करना है, और फिर यहाँ पर दियद्रा आता है क्योंकि वो पक्षी वहाँ पर जाकर फट जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन बहुत भयानक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे यहाँ पर रुके होते हैं और तभी एक बड़ा सा आउल नीचे आकर एक चूहे का पीछा करता रहता है, और वैसे ही हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर नारुतो और सकुरा काकाशी सेंसे पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं वाह सामने से अटैक, और फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि आपको कैसे हराना है, और वो अपने मुँह से कुछ ना कुछ बोलते रहता है पर तब एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं बताते कि वो क्या कह रहा है, जो सुनकर काकाशी सेंसे कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं सुनना, और फिर नारुतो ये कहता ही रहता है, तभी काकाशी सेंसे बेहोश हो जाते हैं और फिर जब उनकी आँख खुलती है तब वो देखते हैं ये क्या हुआ मैंने क्या सुन लिया था, और फिर वो देखते हैं कि सकुरा और नारुतो के हाथ में वो बेल्स होती है जो काकाशी सेंसे के पास नहीं होती, और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, और फिर नारुतो कहता है हम तो जीत गए, और काकाशी सेंसे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, और फिर यहाँ पर वो मैच ख़त्म हो जाती है। और अगले सीन में यहाँ पर दियद्रा सोचता है कि वाह क्या वो इस एक्सप्लोजन से बच पाया होगा, और अगर वो बच पाया होगा तो वो बहुत लाजवाब है, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से पीछे से अंधेरा होता है और दियद्रा ऊपर देखता है तो उसके पीछे से बहुत सारी सैंड उसको घेर लेती है, और फिर गारा कहता है सैंड प्रिज्म। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलेंगे अगले एपिसोड में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे और टाटा बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright.